दर्शा, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं सोनल दहिया। धनतेरस का आज त्योहार है और चूंकि कोरोना काल भी है और ऐसे में धनतेरस को लेकर तैयारियां तो तमाम जोरों शोरों से की जा रही हैं, लेकिन बाजारों में इस बार जैसी रौनक देखनी चाहिए वैसी रौनक दिखाई है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यम की पूजा करने से असमय मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। साथ ही इस दिन उपहार, बर्तन, गहनों की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन अगर ग्रहों का शुभ संयोग भी शामिल हो जाए तो जातक के जीवन में तरक्की, उन्नति और सुख समृद्धि में कई गुना और इजाफा हो जाता है। तो दिवाली से दो दिन पहले मनाए जाने वाले धनतेरस के त्योहार का अपना एक धार्मिक महत्व है, लेकिन इस बार किस तरह की रौनक कहां दिखाई दे रही है इसको लेकर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं और फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले फरीदाबाद का हम रुख करेंगे। देवेंद्र, किस तरह की धनतेरस पर आज रौनक आपको देखने को मिली? बिल्कुल सोनल, देखिए अगर फरीदाबाद के बाजारों की बात करें तो बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुके हैं और आज चूंकि दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस का पर्व है और मैं फिलहाल खड़ा हूं सेक्टर 15 की मार्केट में और मैं आपको नजारा दिखा देता हूं। सेक्टर 15 की मार्केट पूरी तरह से दीपावली पर्व से पहले सजकर तैयार है और अगर ग्राहकों की बात करें तो ग्राहक भी लगातार मार्केट में पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए। चूंकि कोरोना काल है और ऐसे कोरोना काल के बीच में कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो खरीद फरोख्त है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन अगर हम देखिए आज क्योंकि धनतेरस है और तो बर्तनों की एक दुकान पर हम पहुंचे हैं, इनसे बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे चूंकि मार्केट में इन्होंने क्योंकि आज एक खास महत्व होता है धन्वंतरी महाराज को लेकर के बर्तनों की अगर खरीद की जाती है तो वो शुभ मानी जाती है। वैसे तो अपने अपने आर्थिक स्थिति जिसकी जिस तरह की होती है उस हिसाब से खरीद फरोख्त होती है, चाहे सोने की बात करें चांदी की बात करें। एक बार बात भी कर लेते हैं इनसे, दुकानदार हमारे साथ हैं, किस तरह का है इस बार चूंकि कोरोना के बीच में त्यौहार आ रहा है? बीच में सर मार्केट डाउन है इस बार, बहुत 40% मार्केट डाउन है। कितनी मार्केट डाउन है, क्या खरीद फरोख्त ग्राहक तो पहुँच रहे हैं? ग्राहक पहुँच रहे बट 40% मार्केट डाउन है, जो खरीदारी करना चाहिए वो नहीं खरीद रहे मार्केट वाले। तो क्या वजह है, कोरोना ही है या आपने दाम बढ़ाए हैं या कुछ ऐसा? दाम तो हुई है, कोरोना मेन वजह कोरोना ही है और उनके पास सबके पास आजकल जेब मनी भी हो पॉकेट मनी भी अपना देखना है। पॉकेट मनी कहीं ना कहीं सोनल कहीं ना जरूर इस बात को बीच में आ रही है कि कोरोना के बीच में लगातार जिस तरह से आर्थिक स्थिति बिगड़ी है लोगों की तो ऐसे में लोग तो जरूर पहुंच रहे हैं बाजार में लेकिन खरीद फरोख्त इतनी नहीं हो पा रही है। बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ में कुछ ग्राहक भी खरीदने पहुंचे, मैम आप खरीदारी करने पहुंची हैं, कुछ कहेंगी? हाँ, एक्चुअली हम लोग आए हैं मार्केट में, इवन दो कोरोना है बट आई थिंक इट कैन नॉट रियली स्टॉप, हम लोग की जो लाइफ है वो तो चलेगी चाहे कोरोना हो ना हो। बस ये कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, सबको मास्क लगाने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर यहाँ पॉसिबल नहीं है बट ठीक है, मार्केट है, दिवाली है। लेकिन उत्साह कितना देख रहे हैं आप क्योंकि बाजार में पहुंची हैं? रिलेटिवली काफ़ी कम है, जैसे हम लोग पिछले साल आते थे बहुत ज़्यादा होता था, इस बार हम लोग को काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, काफ़ी लोग नहीं है बट तब भी काफ़ी लोग हैं तो ऐसी बात नहीं है बट हाँ कम है थोड़ा सा। क्या ऐसा भी कोई फैसला लिया है जिस तरह से बाकी सालों में आप शॉपिंग करते थे तो उसमें कुछ कमी खुद में आपके बजट में भी कोई फर्क पड़ा है? हाँ बिल्कुल पड़ा है, मतलब पहले जो एक हम लोग खुला करते थे उससे थोड़ा सा इस बार कम है, नो वंडर बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सैलरी कट्स वगैरह हुए हैं, सब हो रहे हैं बट हाँ जो बेयर मिनिमम है वो तो हम कर ही रहे हैं सारे। तो बायकॉट चाइना का जिस तरह से प्रोडक्ट का हो रहा है तो क्या बाजार में आप निकले हैं कुछ ऐसा? लौटेंगे गुरुग्राम से, देवेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से अभी हमने फरीदाबाद का नजारा देखा, हालांकि लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी के लिए, एक रौनक भी दिखाई दे रही है, लेकिन खरीदार हो या फिर दुकानदार हो दोनों ही लोगों का यही मानना है कि पहले जैसी दिवाली नहीं है, पहले जैसी रौनक नहीं रही। गुरुग्राम में आप किस तरह का नजारा देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल सोनल, जिस तरह की स्थिति है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जरूर एक ये परिस्थितियां देखने को मिली कि लोगों को जो यहाँ बाज़ार में पहुँचने थे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते थे वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ खरीदारी के लिए ज़रूर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य जिस तरह की बात को लेकर कहा गया था जिला प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं नियमों का पालन करना होगा। आज धनतेरस के दिन जिस तरह से एक महत्व माना जाता है कि यहाँ आप सोना चांदी बर्तन या कोई भी नया सामान खरीदे तो एक आपकी समृद्धि में और धन पूर्ति में एक बड़ी महत्वता मिलती है और उसी को लेकर आज लोग यहाँ पहुँचते हैं और कुछ लोग भी इस वक्त मौजूद हैं। आज आप खरीदारी करने आए हैं किस तरह से देखते हैं बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क?
जी देखो, कोरोना ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो किया हुआ है। पहले जो दिवाली में भीड़ होती थी वो भीड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हम ऑफिस वाले हैं तो हम शॉपिंग के लिए आ जाए हैं काफ़ी टाइम बाद, लेकिन भीड़ वो वाली भीड़ नहीं है जो दिवाली की उधम होती थी। लेकिन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूरी धज्जियाँ ही उड़ रही हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है, लोग भी क्या करें, कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे, और मतलब कोरोना वायरस ने सब कुछ ही खराब कर रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं पालन कर पा रहे हैं, क्या मास्क का पूरी तरह से पालन? नहीं, मेरे हिसाब से मास्क का पालन एकदम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी है, लोगों को कोई समझ ही नहीं है कोरोना का स्थिति अभी दिल्ली में कितना तेज फैल रहा है। क्या ज़रूरी हो जाता है, एक त्यौहार है, साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के चलते लोगों को कहीं ना जिस तरह की परिस्थितियों के बीच अपने आप को भी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्या उसको लेकर आप तैयार? बिल्कुल, सभी को प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो चुका, कोरोना देखें तो पहले से इंक्रीज है, सारे मामले इंक्रीज हो रहे हैं, आंकड़े बढ़े हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फेल करते हुए अपने काम में व्यस्त हैं और बिल्कुल भूल चुके हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है। देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समझना होगा, क्या खरीदारी इस वक्त बढ़ी है या पिछली साल की दफ़ा इस बार कम है? जी, पिछली साल की दफ़ा इस वक्त कम है, इस साल कम है, काफ़ी लोगों के पास पैसे का शॉर्टेज ज़्यादातर, और बाकी और भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, तो इसलिए सेल कम। देखिए बिल्कुल सोनल, ये ज़रूरी हो जाता है, लोगों को अपनी जिम्मेवारी तो समझनी होगी, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं परिस्थितियां इस बीच भी हैं कि कोरोना वायरस के चलते लोगों को अपनी जिम्मेवारी तो समझनी होगी, लेकिन जब बाज़ार में जब आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार हिदायतें भी जारी की गई, और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यदि मैं जी बिल्कुल देवेंद्र, ये बड़ी चुनौती भी है कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी, क्योंकि कोरोना काल के बीच में त्यौहार आना अपने आप में ये एक चैलेंजिंग फेज रहेगा प्रशासन के लिए भी, और लोग किस तरह से इसका पालन करते हैं ये अब उसके बाद की स्थिति बताएगी। हमारे साथ अनीशा गर्ग, अंक शास्त्री भी जुड़ गई हैं। अनीशा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। अनीशा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अनीशा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो लगता है किसी तकनीकी खामी के चलते अनीशा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंक शास्त्री हैं, उनसे भी जानने की कोशिश हम करेंगे कि अंकों के गणित को अगर हम देखें तो आज ये धनतेरस का त्यौहार किस तरह से रहने वाला है। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र भारद्वाज और देवेंद्र कौशिक। देवेंद्र भारद्वाज, जिस तरीके से देखिए, हमने अभी भी देखा गुरुग्राम का नज़ारा, गुरुग्राम में हालांकि लोग पहुँच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो नहीं हो पा रही, लेकिन मास्क का प्रयोग लोगों की तरफ से किया जा रहा है, और ये प्रशासन के लिए भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। देखिए देवेंद्र, कोरोना काल के बीच में त्यौहार आना, तो अब आप फरीदाबाद प्रशासन को कितना तैयार उसके लिए देख रहे हैं, वहां के नजारे को देखते हुए और प्रशासनिक अमले की तैयारियों को देखते हुए? देखिए सोनल, इस वक्त मैं तस्वीर दिखाऊं तो आपको ये सदर बाजार तीन के जो नियम बनाए गए हैं उनको मेरी आवाज पहुंच पा रही है देवेंद्र आप तक? तो वहां का नजारा हमने देखा, देवेंद्र भारद्वाज जिस तरीके से बता रहे थे। देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद की अगर हम बात कर लें तो फरीदाबाद में किस तरह से तैयार दिखाई दे रहा है प्रशासनिक अमला, क्योंकि अभी हमने देखा गुरुग्राम का नजारा, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपना परचेजिंग के लिए, लेकिन फिर भी एक मुकम्मल जो एक माहौल होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में आप प्रशासनिक अमले को कैसे तैयार देख रहे हैं देवेंद्र? देखिए, अगर फरीदाबाद की हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सबसे बड़ी जो कोविड 19 को लेकर दो गज की दूरी की बात की जा रही है, लेकिन मैं अगर फरीदाबाद के इस बाजार की अगर दिखाऊं आपको, तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से दरकिनार कर लोग बाजार में पहुंचे हैं, और शॉपिंग करने के लिए चूंकि एक दीपावली बड़ा पर्व है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को बाजार पहुँचना है, और ऐसे में हाँ एक बात जरूर है कि लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर आपको दिखाई देंगे, लेकिन मास्क के अलावा अगर सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करें तो आप दूर तक अगर देखें पूरे बाजार
बाजार में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और इसके पीछे वजह यही है कि चूंकि लोग एक साथ निकले हैं बाजार में शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं जो मार्केट छोटे होते चले गए हैं, वो एक उसकी भी वजह यही माना जा रहा है कि बाजार में इतनी जगह ही नहीं है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर पाए, और इसी वजह से ये लगातार कोशिश यही है कि लोग बच के रहें, मास्क पहन के रहें, प्रशासन की तरह से तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा गया था, नियम बना दिए गए थे, लेकिन मार्केट में ये फॉलो नहीं हो पा रहा है। आप साफ तौर से अगर देखें तो ये एक खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं, छोटी एक गैलरी है, लेकिन लोगों की भीड़ काफी संख्या में यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ, इतना जरूर है कि लोग अवेयर हैं, क्योंकि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी और यहाँ सबसे ज्यादा कोरोना के अगर बात करें तो देखिए आज की अगर बात करें तो 590 तक के कोरोना पॉजिटिव के एक दिन में मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल देवेंद्र, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और यही अपने आप में इस त्योहारी सीजन में एक चुनौतीपूर्ण भी है कि किस तरह से इस त्योहारी सीजन में लोगों को अवेयर रखा जाए और इस चुनौती से निपटा जाए। हमारे साथ अनीशा गर्ग अंक शास्त्री जुड़ गई है। अनीशा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनीशा जी, इस त्योहारी सीजन को देखते हुए अगर हम खास तौर पर धनतेरस की आज बात कर लें तो अंकों के गणित के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और किस तरह से अंकों के हिसाब से आप इस त्योहार को देख रही हैं? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है अनीशा जी से हमारा। देवेंद्र भारद्वाज, आपका बहुत शुक्रिया। देवेंद्र कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे। तो धनतेरस पर तमाम तरह की तैयारियां जो हैं की जा रही हैं और दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। धनतेरस के त्यौहार की रौनक नजर आ रही है तमाम जगहों से, हम लगातार जायजा भी ले रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। फरीदाबाद की अगर हम बात करें देवेंद्र, तो अभी हमने देखा कि किस तरह से प्रशासन की तरफ से वहां पर मुकम्मल तैयारियां भी की गई हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना काल होने के बावजूद लोग जो हैं वो नियम कायदे कानूनों को दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और अगर हम बात करें स्वदेशी सामानों की, देखिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है सरकारों की तरफ से कि स्वदेशी सामानों को खरीदा जाए, लेकिन कितना असर देखने को मिल रहा है? लोग जो हैं वो चाइनीज सामान के बहिष्कार की बात करते तो दिख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर किस तरह की रियलिटी दिख रही है? में पूरी तरह से उसको बायकॉट कर दिया गया था, क्योंकि पिछले एक साल से लगातार अगर पिछली दीपावली की भी बात करें सोनल, तो उस वक्त भी ये आवाज़ें उठी थी और कहीं ना कहीं जो व्यापार मंडल हैं जितने भी, उनकी तरफ से भी पहले बायकॉट करने की बात की गई थी। और इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई थी स्वदेशी अपनाने की, तो उसका फल यहाँ जरूर देखने को मिल रहा है। और जो लोगों के साथ साथ में जो दुकानदार हैं वो भी स्वदेशी सामान लेकर आए। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊं, देखिए इस मार्केट में जो ये दिए, आप मिट्टी के दिए कुछ लोग लेते हुए यहाँ जरूर दिखाई दे रहे होंगे आप, तो ये किसकी वानगी है कि मिट्टी के दियों को ज़्यादा अब यहाँ महत्व दिया जा रहा है। हालांकि पहले तरह तरह के जो तमाम तरह के जो दिए आते थे वो चाइनीज, उनको इस बार बायकॉट किया गया और पूरी मार्केट में चाइना का सामान आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं देखिए रंग बिरंगी जो मोमबत्ती हैं ये यहाँ इंडियन भारतीय उत्पाद है पूरे, अगर पूरे सामान की हम बात करें, उनसे बात भी कर लेते हैं एक बार। हमारे साथ में दुकानदार हैं, क्या कोई चाइनीज सामान इस बार बेच रहे हैं क्या? नहीं नहीं भैया, हम नहीं बेच रहे, ज्यादातर मिट्टी के सामान बेच रहे हैं, अब इंडियन सामान बेच रहे हैं। तो लोग पसंद कर रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा। तो कुछ लोग आते होंगे, मांगते होंगे फैंसी आइटम आपसे? फैंसी आइटम इसमें डेकोरेशन मिट्टी में बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो ऐसा
चाइना का जो सामान है उसकी मांग नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मांग रहा है। एक एक आइटम था हमारे पास, हमने दिखाया, उन्होंने मना कर दिया। तो लोग ले भी नहीं रहे? नहीं नहीं ले रहे। क्या लगता है, चाइनीज जैसे सस्ते मिलते थे, भारतीय सामान जब महंगे हैं या बराबर का रेट है, क्या है? नहीं, मांग सस्ते रहते थे, खराब भी तो हो जाती थी जल्दी। इंडियन बढ़िया होता है चीज, चलते भी है ज्यादा दिन तक कोई भी चीज। व्यापार कैसा चल रहा है, ग्राहक पहुँच रहे? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है आज बहुत बढ़िया। बिल्कुल सोनल, देखिए आप साफ तौर से सुन सकते हैं कि जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो इतने हल्के सामान हुआ करते थे वो चलते नहीं, और खुद कहती दिखाई दी है कि एक सामान इनके पास में था लेकिन ग्राहक उसको नहीं खरीद रहे। तो पूरी तरह से स्वदेशी बाजार फरीदाबाद में दिखाई दे रहा है। लोग खरीदारी जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्वदेशी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार बायकॉट करने की कोशिश पूरी तरह से दुकानदारों की तरफ से भी की गई और ग्राहकों की तरफ से भी की गई। बात भी कर लेते हैं, आप सामान खरीदने आई हैं, क्या मार्केट में कोई चाइनीज सामान दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी तक कोई सामान हमें नहीं दिखाया, और हमारी कोशिश भी यही है कि हम मिट्टी के दिए खरीदें। इसके अलावा बाकी जो सजावट का सामान, चूंकि दीपावली पे लगातार कई तरह का चाइना से आता था, तो इस बार नहीं दिखा? नहीं, इस बार नहीं दिखा, इस बार कम है थोड़ा बहुत दुकानों में, हो सकता है पिछले साल से जो उनके पास स्टॉक था वो है, पर कम है। लेकिन कई बार कहा जाता है कि वो सस्ता सामान होता था, भारतीय जो उत्पाद है वो थोड़े महंगे होते थे, इसलिए चाइना सामान को ज्यादा लोग पसंद करते थे। हाँ, वैरायटी ज़्यादा होती थी, बट ये चेंज तो धीरे धीरे आएगा। एकदम से हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मार्केट में एकदम से हमारा बना हुआ सामान आ जाए, बट एज अ कंज्यूमर हम रेडी है अपना बना हुआ सामान खरीदने के लिए। जी तो बिल्कुल सोनल, आप साफ तौर से सुन सकते हैं कि ग्राहक भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि स्वदेशी अपनाना है और स्वदेशी सामान को खरीदना है, और दूसरी तरफ दुकानदारों ने पहले ही से ही इस तरह की तैयारी कर ली थी कि चाइना का सामान इस बार दुकान पर बेचना ही नहीं है। जी सोनल, बिल्कुल देवेंद्र, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का संदेश है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी आज संदेश दिया है कि मिट्टी के दिए जलाएं, तो वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता दिखाई भी दे रहा है। इस बार की दिवाली जो है वो स्वदेशी सामानों से सजी हुई है। देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लोगों से बातचीत भी की है। तो धनतेरस के दिन लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कहीं ना कहीं एक क्रेज होता था पहले दिवाली का, वो कम नजर आ रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि स्वदेशी सामान के लिए लोगों के मन में ज्यादा प्रेम पहले की बजाय नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार यही संदेश दिया जा रहा है, और आज मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि मिट्टी के दिए जलाएं। और इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपसे यही अपील करता है कि आप अपने घरों को मिट्टी के दियों से रोशन करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।